हेलो एंड वेलकम टू एस एन गेट एकेडमी। बच्चों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने मैं लेके आया हूँ। अगर आप गेट एग्ज़ाम या फिर ESE, SSC, JEE या फिर किसी भी गवर्नमेंट PSU की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बच्चों आज से कुछ महीने पहले आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था कि आने वाले 1.5 साल के अंदर अंदर वी आर रिक्रूटिंग 10 लाख पीपल फॉर द गवर्नमेंट जॉब, मतलब 10 लाख वैकेंसीज 1.5 साल के अंदर अंदर आने वाली है। और उसको लेके बहुत लोगों ने उस चीज़ का मजाक भी उड़ाया था कि भाई ये तो इलेक्शन प्रॉमिसेस रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, हर साल इस तरह के प्रॉमिसेस होते हैं। बट पिछले 1-2 महीने से जो चीज़ दिख रही है दोस्तों वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है डेट ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही होने जा रहा है। क्योंकि पिछले 2 महीने से अगर आप देखें तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज ने अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है स्टार्ट की है। SSC ने मोर देन 70,000 लोगों को रिक्रूट करने का अनाउंस किया है। प्रॉपर अगर आप गेट एग्ज़ाम के थ्रू भी देखें तो पिछले 3-4 सालों से जो एग्ज़ाम जो कंपनीज जो PSUs रिक्रूट नहीं कर रहे थे इस साल उनके रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। जो कंपनीज बहुत कम सीट पे बहुत कम पोस्ट पे रिक्रूट कर रही थी इस साल उन्होंने पोस्ट अपनी बढ़ा दी है। रिसेंट एग्जाम्पल ONGC का है जो हार्डली 200 to 300 पोस्ट पे रिक्रूट कर रही थी पिछले 2 साल से, बट इस साल उन्होंने 800 मतलब डबल से भी ज़्यादा मोर देन 800 पोस्ट पे रिक्रूट कर रहे हैं। अब भेल एक एग्जाम्पल है पिछले 3 साल से जिसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था इस साल आ रहा है। सेल एक एग्जाम्पल है, बेल एक एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे ऐसे PSUs हैं जो विथ गेट और विदाउट गेट अपनी खुद की एग्जाम्स के थ्रू भी और गेट के थ्रू भी रिक्रूट कर रहे हैं। बट द ओनली क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग उस चीज़ के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। और देखिए इस चीज़ को ऐसा समझिए कि कोई भी अगर आप पॉलिटिकली भी देखें तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था और ये जो न्यूज़ आई थी इसके गलत होने का सवाल अभी नहीं उठता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट। क्योंकि जो ये करंट गवर्नमेंट है इसकी जो सबसे बड़ी जो खामी बोली जा रही थी डेट वॉज अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। और उस चीज़ को दूर करना बहुत ज़रूरी था इनको 2024 के इलेक्शन के पहले, और इसलिए शायद इस चीज़ को निकाला गया है कि 10 लाख जॉब्स निकलेगी। और अगर ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता देन डेफिनेट होता है तो डेफिनेटली इनको आगे के इलेक्शंस में प्रॉब्लम जाएगी जो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है, ओके। तो इसलिए पॉलिटिकली भी अगर आप देखें लॉजिकली भी अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता। सो नो डाउट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर, प्रोवाइडेड कि आप उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है। गेट 23 की अगर आप बात करें तो मोर देन 10 to 15 PSUs ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि हम लोग गेट 23 के थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे। बाकी के PSUs भी बहुत जल्द इस तरह के नोटिफिकेशंस निकालने वाली है कि रिक्रूटमेंट जो है उनका बहुत जल्द होने वाला है, ओके। तो वेरी फर्स्ट थिंग फ्रेंड्स, यू मस्ट एंश्योर कि आपने गेट 23 का फॉर्म भरा हो, क्योंकि जब तक आप वो फॉर्म नहीं भरेंगे जब तक आप ये एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक कोई चांसेस नहीं है कि इसके थ्रू जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आज या फिर आगे कभी भी आती है उसको आप इंजॉय कर पाए, ये आपके चांसेस पूरे खत्म हो जाएंगे। तो अभी भी टाइम है, 2 दिन का आई थिंक टाइम है, 14th को लास्ट डेट है, एक्सटेंडेड लास्ट डेट है। लास्ट लेट फी के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। मेक श्योर अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है मेक श्योर यू फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म। नाउ द क्वेश्चन राइजेस फिर उसके बाद क्या करें। तो सिर्फ फॉर्म भरना ही सफिशिएंट नहीं है, ऑब्वियसली यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। और इस साल दोस्तों इस चीज़ को समझिए कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। 24 में इलेक्शंस है, हो सकता है कि 24 के बाद ये चीज़ ना रहे, हम चाहेंगे कि आगे भी ये चीज़ रहे, बट आप ये मान के चलिए कि अगर वो चीज़ नहीं रहती तो क्या रहेगा, ओके। तो इसलिए एक जो अपॉर्चुनिटी आज आपकी डेट में आज आपके हाथ में आई है डोंट मिस दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ आपको रिग्रेट रह जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जस्ट गिव योर 100%, अपना पूरा 100% 110% अपना इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एग्जाम के लिए, अपना पूरा 100% लगा दीजिए। क्योंकि आज ये चीज़ अगर आप नहीं करते हैं दोस्तों इस चीज़ को समझिए, बहुत सीरियस बात मैं करने जा रहा हूँ, अगर आज आप इस चीज़ को नहीं करते हैं आने वाले समय में जो आपका रिग्रेट होगा वो बहुत बड़ा होगा। आज अगर आप एक एवरेज जॉब के साथ सेटल हो जाते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी है उससे कहीं ज़्यादा की, लेकिन आप किसी तरीके से या तो लापरवाही के थ्रू या फिर कुछ आलस के थ्रू अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी तो है पर आप अगर इस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे, यू विल एंड अप सेटलिंग विद द एवरेज जॉब। कोई भी एक एवरेज जॉब से अगर आप सेटल हो रहे हैं 10 साल 15 साल बाद सोचिए जब आपकी फैमिली होगी, आपको हर एक चीज़ पे फाइनेंशियली या तो डिपेंडेंट रहना पड़ेगा या छोटी से छोटी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपको प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो एवरेज जॉब है वो शायद उतना ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं दे पाए, ओके। तब आपको रिग्रेट होगा कि यार उस टाइम मेरे पास समय भी था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी, मेरे पास रिसोर्सेज भी थे, सब कुछ अवेलेबल था मेरे पास, लेकिन सिर्फ मैंने उस समय आलस कर दिया, मैंने अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं की।
तो जो आप उस समय रिग्रेट कर रहे होंगे कि काश उस समय मैं सही तरीके से प्रिपरेशन कर लिया होता, काश उस समय मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लिया होता, काश उस समय मैं अपने जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको हटा लिया होता, अपने मोबाइल फ़ोन्स की एडिक्शन को छोड़ दिया होता, अपने सुबह उठने की देर से उठने की हैबिट्स को छोड़ दिया होता, तो ये जो रिग्रेट आप उस समय के लिए कर रहे होंगे, वो जो उस समय है वो समय आज आपके हाथ में है और ये आपके ऊपर है कि आप आज का समय यूज़ करना चाहते हैं या फिर वेस्ट करना चाहते। तो जस्ट गिव योर 100%, आप अपना सब कुछ आप इस चीज़ के लिए दांव पे लगा सकते हैं एंड बिलीव मी इट वुड बी वर्थ इट, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपको फिर से मिल जाएगी। फ्रेंडशिप्स अगर आप थोड़े दिन नहीं निभाएंगे तो चल जाएगा, रिलेशनशिप्स थोड़े दिन नहीं निभाएंगे तो कहीं नहीं जाने वाले वापस आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी अगर आपने आने वाले 4-5 महीने ही बचे हैं ये अगर आपने मिस कर दिया तो डेफिनेटली आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ेंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। एस एन गेट अकेडमी हमेशा से आपके साथ खड़ा है, आपके कंधे से कंधा मिला के आपकी हर चीज़ में, आपके प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।